गरिमा स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में यातायात विभाग द्वारा जन सहयोग से एक अनूठी पहल करता हुआ नजर आ रहा है। इस पहल में शहर के जिस भी परिवार में जन्मोत्सव, शादी की सालगिरह या पुण्यतिथि पर यातायात में अपना योगदान देकर इसे सफल बनाने की कवायद की जा रही है। इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर वन के साथ ही अब यातायात में भी सुलभ व दुर्घटनाओं के लिए रोकथाम के लिए जदोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के कड़ी में यातायात विभाग द्वारा पिछले दिनों जन सहयोग से यातायात को सुलभ बनाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें अभी तक करीबन 50 से अधिक परिवारों द्वारा यातायात विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इसी कड़ी में शहर के किसी भी परिवार में जन्मोत्सव या शादी सालगिरह सहित अन्य किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम हो, उसे यातायात विभाग द्वारा उस परिवार से यातायात में सहयोग करने की उपेक्षा की जाती है और उस परिवार के सभी सदस्य उस दिन यातायात विभाग के पुलिस कर्मियों के साथ सड़कों पर यातायात के नियमों का पालन कराने के आग्रह के साथ ही सड़कों पर ड्यूटी करते हुए नजर आते हैं। इसके लिए बाकायदा यातायात विभाग द्वारा 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक की पूरे परिवार को ट्रेनिंग दी जाती है। इसी कड़ी में आज जिस जिस बच्चे का जन्मदिन था, उस बच्चे के पूरे परिवार द्वारा रेसिडेंसी चौराहे पर यातायात के नियमों का पालन करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला गया और यातायात विभाग के सभी पुलिस कर्मियों के साथ जन्मोत्सव भी मनाया गया। खैर, जिस तरह से शहर चौतरफा रूप से विकसित हो रहा है, उसी रफ्तार से सड़कों पर वाहनों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और यातायात के नियमों का पालन सहित इससे होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर अब याद आया विभाग जन सहयोग के द्वारा इसे पटरी पर लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इंदौर से दस्तक लाइव से शकील खान की रिपोर्ट। किस तरह से यहाँ पर एक अनूठी पहल की गई? हमने ये कि परिवार का जो भी आपका विशेष दिन हो, वो आप यातायात के साथ मनाइए। तो आप लोग आइए, आपका जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, आपके फादर की मैरिज एनिवर्सरी, कोई भी विशेष दिन हो आपके परिवार का, आप आइए और ट्रैफिक के पुलिस के साथ मनाइए। यदि बहुत सारे लोग हमसे इस बात के लिए जुड़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हमारे साथ अभी लगभग 50 परिवार जुड़े हैं। हमने एक ये नया प्रयोग है जो इंदौर में हमने धीरे धीरे शुरू किया है, काफ़ी लोग इससे कांटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे ये हमारा अभियान सफल होगा और इंदौर में यातायात के प्रति जागरूकता के जो हमने सोचा था वो कहीं ना कहीं जनता में आएगी।